कोटा से इस वक्त की बड़ी खबरें। लगातार बारिश के बाद लबालब हो रहे अंचल के बांध। कोटा बैराज के 8 गेट खोलकर नदी में छोड़ा जा रहा है पानी। 5 गेट 5-5 फीट और 3 गेट 3-3 फीट तक खोले गए हैं। करीब 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है नदी में। तो ये बड़ी खबर कोटा से, लगातार बारिश के बाद लबालब हो रहे हैं अंचल के बांध। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, देखिए पानी की आवक तेज हो रही है, नदी नाले उफान पर है, कई जगह मार्ग अवरुद्ध हुआ है, तो वहीं बांधों से भी पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से क्या कुछ अलर्ट इसको लेकर के? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो किनारे के लोग हैं, किनारे की जो बस्तियां हैं और नदी किनारे के जो गांव हैं, उनको अलर्ट पर कर दिया गया है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आयुषी, तब भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि लगातार बारिश का दौर चल रहा है और तेज होता जा रहा है। कमोबेश 2 दिनों से कोटा में रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है और आज सवेरे के बाद से तो लगातार जैसे बरसात की झड़ी लग गई है। और इसके बाद चंबल, पार्वती और कालीसिंध, जो कि कोटा अंचल की 3 प्रमुख नदियाँ हैं, तीनों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी मानसूनी खबर यह है कि फिलहाल कोटा बैराज से 8 गेट खोल करके और पानी की निकासी की जा रही है और आने वाले समय में निकासी बढ़ाई जाना तय है, क्योंकि इस सीरीज का, चंबल सीरीज का जो सबसे बड़ा बांध है वो है मध्य प्रदेश में गांधी सागर, और गांधी सागर तेजी से 1305 फीट के स्तर तक पहुँच रहा है। हालांकि इस बांध की भराव क्षमता 1312 फीट है, लेकिन 1305 फीट तक इसके भर जाने के बाद और इसके गेट उसके बाद खोल दिए जाते हैं। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर से होती हुई एक बड़ी जलराशि कोटा बैराज में आती है और इसके बाद नदियां उफान पर आती है और पूरे इलाके में हम कह सकते हैं कि पूरा जो ट्रैफिक है, यातायात है, जो सड़क मार्ग है, वो अवरुद्ध हो जाते हैं। बहरहाल कोटा से खातोली से होते हुए जो मध्य प्रदेश जाने का रास्ता है वो बंद है, कोटा से श्योपुर का रास्ता बंद है, कोटा से झालावाड़ के बीच में दरा के नाले में पानी आने से और नेशनल हाईवे 52 करीब 3 घंटे तक जाम रहा है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि कोटा में सामान्य से 38% बारिश जो अभी तक हो चुकी है। एक बार फिर से साथी कैमरामैन आकाशदीप, आपको अगर नज़ारा दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए अभी भी घटाएं उमड़ घुमड़ कर आ रही है और बारिश का दौर लगातार जारी है कोटा में। आने वाले समय में मानसून आफतों में इजाफा कर सकता है और यहाँ की नदियाँ रद्द रूप धारण करने की तैयारी कर रही है और बड़े बांध पानी से लबालब हो रहे हैं। जी बिल्कुल भंवर, और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि एहतियात आम लोग भी बरते, क्योंकि हम देखते हैं कई बार जो पुलियाएं होती है, जब पानी की चादर चल रही होती है तो उस दौरान भी उन पुलियाओं को पार करने की कोशिश करते हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं। बिल्कुल आयुषी, इसे लेकर के प्रशासन ने सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, अपनी तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। और मैं आपको ये अपडेट भी कर दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी बाकायदा राजस्थान सरकार को अलर्ट जारी कर दिया है कि गांधी सागर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि जवाहर सागर बांध से करीब करीब 52 से 55 हज़ार क्यूसेक पानी कोटा बैराज में छोड़ा जा रहा है, यानी अभी तक जवाहर सागर के पीछे के जो बांध है, राणा प्रताप सागर जो कि रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, और गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से पानी की निकासी नहीं की जा रही है। लेकिन वो बांध तेजी से, जो उनको पानी छोड़े जाने का जो स्तर है उस स्तर तक तेजी से पहुंच रहा है उनका जल स्तर भी, तो आने वाले समय में पानी की निकासी बढ़ना तय है, नदियों का उफान पर आना तय है। और अभी तक मानसून जो कि राजस्थान के बाकी हिस्सों में हम कह सकते हैं कि धमाचौकड़ी मचा रहा था, अब कोटा अंचल में भी धमाचौकड़ी मचाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ की नदियाँ उफान पर आने को तैयार है, बांध लबालब हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आने वाले दिनों में कोटा अंचल में भी मौसम विभाग की तरफ से तेज बारिश का अलर्ट है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त भी कोटा में तेज मूसलाधार बरसात हो रही है और जो लोकल इलाके हैं, जो लोकल कैचमेंट एरियाज हैं, उनकी बारिश के साथ साथ मध्य प्रदेश तक के इलाके में भी तेज बारिश हो रही है। जी बिल्कुल भंवर, और ऐसे में देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि मौसम विभाग की ओर से भी एक अलर्ट जारी किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी एक अलर्ट जारी किया है, तो आने वाले दिनों में स्थिति कैसी समझें हम? क्या थोड़ी खराब स्थिति? देखिए फिलहाल कोटा बैराज से 8 गेट खोले गए आयुष, और आप इस बात को समझिए कि फिलहाल जो पानी है वो कोटा में जो बरसात हो रही है, इस वक्त भी जो बारिश हो रही है और इससे पहले जो बरसात हुई है उसका पानी है, जबकि मोटे तौर पर कोटा बैराज में जो पानी आता है वो पीछे का पानी होता है, मध्य प्रदेश तक के इलाके का पानी होता है। चूँकि मध्य प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश हो रही है, गांधी सागर बांध 1305 फीट के स्तर तक पहुँचने वाला है, तो वहाँ का पानी जब छूटेगा और लोकल कैचमेंट एरिया का पानी जब उसके साथ मिलेगा, तो आप तय मानिए कि कोटा बैराज से गेटों की तादाद बढ़ाई जाएगी, चंबल का जलस्तर बढ़ेगा,
और चंबल की जितनी सहायक नदियां हैं उन सब का भी उफान पर आना तय है, और इसीलिए ऐसे बहुत से इलाके जो कि नदियों के किनारे हैं और ऐसी बहुत सी बस्तियां जो शहरों में भी नदी के किनारे बसी हुई है, उन सब के लिए कहीं कहीं ये मौसम और ये हालात खतरे की घंटी बजाने वाले हैं। बिल्कुल, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहे और आम लोग भी। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और तमाम अपडेट्स के लिए।